जेपी के नाम पर एक यूनिवर्सिटी है बिहार में, संपूर्ण क्रांति एक पिटा हुआ नारा है, इसकी मिसाल है ये छपरा का जेपी यूनिवर्सिटी। जब जेपी के नाम पर एक ढंग की यूनिवर्सिटी नहीं बना सके तो आप समझ सकते हैं कि हमारे नेता जेपी के नाम का इस्तेमाल करेंगे और अब मूर्ति बनाने का नाम लेकर दंगा करवाएंगे। 1990 में सिवान, गोपालगंज और छपरा जिले के लिए जयप्रकाश नारायण विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। 27 साल बाद भी यह विश्वविद्यालय बिहार की शिक्षा के नक्शे पर कहीं नजर नहीं आता। हाल ही में मानव संसाधन विकास मंत्रालय की तरफ से जारी NIRF की रैंकिंग में तो इसका नाम भी नहीं है। जेपी यूनिवर्सिटी में ना तो जेपी का कुछ है ना यूनिवर्सिटी का कुछ है। 90 में माला मिर्जा टुकड़ा गांव की 240 एकड़ जमीन पर इस यूनिवर्सिटी की स्थापना हुई। इससे तो अच्छा है होता कि यहां पर खेती होती रहती। 27 साल बाद भी इस यूनिवर्सिटी की बुनियादी ढांचा पूरी तरह विकसित नहीं हुआ है। इसके अंतर्गत 32 कॉलेज आते हैं जिसमें अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट के 47,000 छात्र पढ़ते हैं। करीब 47,000 छात्रों को यह पता चल जाए कि वे बगैर गुरु के विश्व गुरु बनाने के झांसा प्रोजेक्ट के शिकार हो रहे हैं तो उन्हीं में से एक जेपी पैदा हो सकता है। इसी यूनिवर्सिटी में 750 प्रोफेसर लेक्चरर होने चाहिए थे मगर हैं सिर्फ 300, जिसमें से 100 हाल फिलहाल में नियुक्त हुए। 450 पद खाली हैं, 50% से ज्यादा पद खाली हैं उस शख्स के नाम पर बनी यूनिवर्सिटी में जिनका नाम लेकर हमारे नेता आज भी संपूर्ण क्रांति का झांसा जनता को देते हैं। इसके पास 17 पोस्ट ग्रेजुएट विभाग हैं। आमतौर पर इसके लिए अलग से बहाली होती है मगर कॉलेज के शिक्षकों से ही पीजी की क्लास लेने के लिए कहा जाता है। नियमन में एक्ट बनने में, एक्टमेंट होने में और 25 साल के हिसाब से अगर देखा जाए, बानवे से जब से विश्वविद्यालय यहाँ चलने लगा, मुजफ्फरपुर से 90 में अलग हुआ, बानवे में यहाँ चलने लगा, तो ये तो रजत जयंती वर्ष है और रजत जयंती वर्ष में एक भी भवन पूरा नहीं है, यहाँ तक कि कुलपति आवास भी यहाँ नहीं है। गंडक परियोजना में गंडक नगर जो है रामकृष्ण मिशन के पीछे अतिथि गृह के पास सामने उसी गंडक भोग में कुलपत आवास है, तो जहाँ कुलपत आवास नहीं होगा, केवल गाय और भैंसों के चरने का चारागाह है। इससे जिनसे राजनीति सीखते हैं हमारे नेता उन्हीं को धोखा देते थे। जेपी के नाम पर इतना बड़ा धोखा, यही राहत की बात है कि वाइस चांसलर प्रोफेसर हरिकेश सिंह ने खुलकर बात की और स्वीकार किया कि 25 साल होने जा रहा है, रजत जयंती वर्ष है और इस यूनिवर्सिटी की एक भी इमारत पूरी नहीं हुई। इसी यूनिवर्सिटी का एक कॉलेज है, राजेंद्र प्रसाद कॉलेज छपरा। यह बिहार का ऐतिहासिक कॉलेज है जिसे 1 अगस्त 1938 के दिन स्थापित किया गया। छपरा के बनवारी लाल जी ने अगर अपना एक भवन 20 बीघा 12 कट्ठा और 11 धूर जमीन न दी होती तो यह कॉलेज यहाँ मौजूद न होता। आज भी यह कॉलेज 1939 के पहले बने इस भवन में चल रहा है। बनवारी लाल शाह जी का भी एक अपना इतिहास है। गूगल सर्च से किताब का पता चला, कम्युनिकेशन एंड कोलोनियलिज्म इन ईस्टर्न इंडिया बिहार 1760s to 1880s। इसके लेखक नितिन सिन्हा ने लिखा है कि ब्रिटिश सरकार ने सारण के कलेक्टर को कहा कि दरबार का आयोजन करें और उन्हें बनवारी लाल जी को शाह की उपाधि का सनद प्रदान करें। बनवारी लाल जी की ख्याति इस बात की थी कि वे धर्मशाला सराय के लिए काफी धन दौलत जमीन दे देते थे। वे उस समय सारण के बड़े व्यापारी थे और नदी के रास्ते होने वाले व्यापार को भी कंट्रोल करते थे, दबदबा था। बनवारी लाल शाह छपरा के कटरा मोहल्ला में रहते थे। वे आजकल वाले शाह की तरह नहीं हैं जो 100 करोड़ की मानहानि का मुकदमा कर देते हैं। शाह बनवारी लाल जी ने कितना कुछ कर दिया, दान दे दिया मगर बगैर सोचे कि किसवीं सदी का हिंदुस्तान या बिहार याद भी करेगा या नहीं। विश्वविद्यालय या कॉलेज का इतिहास अकेले क्लासरूम का इतिहास नहीं होता, वो शहर और उसके समाज का भी इतिहास होता है। इसलिए हम राजेंद्र कॉलेज छपरा की बात करते करते बनवारी लाल शाह जी के बारे में बात करने लगे। 1866 में छपरा नगर पालिका का गठन हो चुका था। 1939 में तत्कालीन म्यूनिसिपैलिटी के उपाध्यक्ष हरिशरण जी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के नाम पर कॉलेज उन्होंने खोला। क्यों खोला? तब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद तो भारत के प्रथम राष्ट्रपति भी नहीं बने थे, आजादी 8 साल दूर थी, लेकिन उस वक्त डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के नाम पर उनके जीते जी कॉलेज इसलिए बना, इसका एक इतिहास है। बिहार में बाढ़ आई थी और उन्होंने बहुत अच्छा काम किया था जिससे उनकी लोकप्रियता अचानक बढ़ गई थी। उस काम के सम्मान में छपरा में राजेंद्र प्रसाद कॉलेज खुला। उनके बड़े भाई महेंद्र प्रसाद का भी छपरा शहर के शहरीकरण में योगदान रहा है। एक कहावत है कि महेंद्र नहीं होते तो राजेंद्र भी नहीं होते। अब दोनों के होने के बाद देखिए क्या हाल है। यह सब जानकारी पॉलिटिकल साइंस विभाग के प्रोफेसर प्रमुख हैं प्रोफेसर लाल बाबू जी ने हमें दी है।
और हम आपको बता रहे हैं उन्हीं के हवाले से, उस कॉलेज में पढ़ाने के लिए 157 प्रोफेसर लेक्चरर चाहिए मगर 33 प्रोफेसरों के दम पर कॉलेज चल रहा है। केमिस्ट्री, संस्कृत, उर्दू में कोई पढ़ाने वाला नहीं है। भूगोल, हिंदी, कॉमर्स में सिर्फ एक एक शिक्षक हैं। इस कॉलेज में 5000 छात्र पढ़ते हैं। 2 साल से सरकार ने इस कॉलेज को एक नया पैसा नहीं दिया ऐसा सुनने में आया। फीस नहीं लेने के एवज में कॉलेज अब फीस नहीं लेते कई योजनाओं में, तो सरकार को अपना हिस्सा देना होता है, वो हिस्सा अभी तक नहीं दिया सरकार ने। सर्च को लेकर के और सेमेस्टर वाइज लेकर करके कुल विद्यार्थियों की संख्या लगभग 400 के करीब में है और बुनियादी संरचना की कमी है। एक भी तृतीय और चतुर्थ वर्ग के कर्मचारी यहाँ पर नहीं है और शिक्षक ही इस कमरे को खोलते हैं जहाँ पर हमारा पीजी का डिपार्टमेंट चलता है। और बगल में पानी पीने के लिए बहुत पहले एक लगाया गया था कुआकाट का मशीन जो बिजली के अभाव में और कतिपय कारणों से वो समाप्त हो चुका है। बच्चों को यहाँ से पानी पीने के लिए रिसर्च स्कॉलर को बाहर जाना पड़ता है, लड़कियों को भी जाना पड़ता है। बिजली कट जाने के बाद में सभी लोग पसीना से तरबतर रहते हैं। राष्ट्रीय स्तर का ख्यात प्राप्त अंगीभूत महाविद्यालय राजेंद्र महाविद्यालय में आज रसायन शास्त्र का एक भी शिक्षक नहीं है। जो राजेंद्र महाविद्यालय पूरे बिहार, जब झारखंड और बिहार एक था, तो रसायन शास्त्र में और कॉमर्स में पूरे, यहाँ तक कि पटना से भी अधिक महत्वपूर्ण वो विभाग रहे, जिस विभाग में आज के दिन रसायन शास्त्र में एक भी अध्यापक नहीं। इतना कह दीजिए कि हमें राजेंद्र प्रसाद की मूर्ति नहीं, उनके नाम पर बने कॉलेज में केमिस्ट्री का प्रोफेसर चाहिए, तो मंत्री लोग काम छोड़ के टीवी के पैनल में दंगा कराने आ जाएंगे, कहेंगे बिहार की अस्मिता के साथ ये वो कर दिया आपने। राजेंद्र कॉलेज छपरा से राहुल सांकृत्यायन का नाम जुड़ा है। हिंदी के महान साहित्यकार शिवपूजन सहाय जी यहीं पढ़ाते थे। पूर्व मुख्यमंत्री दारोगा प्रसाद राय यहीं के छात्र थे। महाराजगंज से भाजपा सांसद जनार्दन सिग्रीवाल यहीं के छात्र हैं। भिखारी ठाकुर को सामने लाने वाले मनोरंजन सिन्हा इसी कॉलेज के प्राचार्य थे मगर अब इस कॉलेज में पढ़ाने वाला नहीं है। पढ़ाई का ना नाम है ना नामो निशान है। 150 कंप्यूटर हैं लेकिन चलाने के लिए एक ऑपरेटर। आप थक गए हैं लगता है मगर मैं नहीं थका हूं, एक और कॉलेज की जानकारी आपको दूंगा। 1941 का है डीएवी कॉलेज सिवान। स्वर्गीय वैद्यनाथ प्रसाद जी ने इस कॉलेज को बनवाया। आज यहां 12,000 छात्रों को पढ़ाने के लिए मात्र 27 प्रोफेसर लेक्चरर। इस पे ना नोबल दीजिए भाई, एक शिक्षक पर 444 छात्रों का भार आता है। गजब। बॉटनी, भूगोल, संस्कृत में कोई प्रोफेसर नहीं, हवा ही पढ़ा देती है छात्रों को। गजब, सुपर। 57 पद ही मंजूर है जिसमें से 30 खाली। हमें बताया गया कि 18 प्रोफेसर जो रिटायर हुए हैं उन्हें ही कभी कभार बुला लिया जाता है जिसका पैसा भी उन्हें नहीं दिया जाता मगर वे आते हैं और पढ़ा जाते हैं, तो शुक्रिया। बिहार के शिक्षा मंत्री काम क्या करते हैं राम जाने। छपरा के हमारे सहयोगी प्रमोद सिंह ने जेपी यूनिवर्सिटी के वीसी प्रोफेसर हरिकेश जी से बात की है। एक तो देश स्तर पर प्रयोगशाला और यहाँ अधिक, उसका मजाक हो रहा। मैं आपसे, आपके मीडिया के माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ, आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि मैं महाविद्यालयों के बारे में कुछ कहने से पहले सबसे अधिक अपने को अनैतिक मानता हूँ कि यहाँ परिसर में जो विज्ञान के 3-4 विभाग हैं उसमें एक आदमी थोड़े बहुत कुछ उपकरण हैं, अन्यथा बिना प्रयोगशाला के उपाधियां दी जाए। तो यह तो सर शिक्षा के जगत के लिए बहुत हानिकारक है। सर हानिकारक नहीं, हानिकारक एवं अपराध। मैं थकता सा महसूस कर रहा हूँ परंतु मैंने आपसे अपनी जयप्रकाश जी के लिए ही सही उस प्रतिबद्धता को मैं दोहरा रहा हूँ कि मैं एक बार प्रयास करूँगा कि अभिभावकों, छात्रों, छात्र नेताओं, मुखिया लोगों को, जनप्रतिनिधियों को और शिक्षकों को एक बार पत्र लिखकर सामने आमने सामने मिल करके निवेदन तो करूँगा कि थोड़ा तो हृदय परिवर्तन कर लें, यही कर सकते। हमने जितने भी वाइस चांसलर से बात की है कोई तो मिला जो ईमानदारी से अपनी व्यथा कह रहा है, बता रहा है कि बिना प्रयोगशाला के ही डिग्रियां मिल गई लोगों को। ये हानिकारक ही नहीं अपराध भी है। तो इस अपराध की सजा समाज, जाति और धर्म के मसलों से लेगा या अपने नेताओं से पूछेगा कि हमारे बच्चों को जब पढ़ाने वाले नहीं थे तो वो क्या पढ़कर निकले? क्या यही कारण है कि आज यूनिवर्सिटी से ज्यादा
व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी लोकप्रिय है, प्रोफेसर से ज्यादा छात्र या युवा नेताओं के फर्जी प्रोपेगेंडा को इतिहास और विज्ञान मानकर स्वीकार कर रहे हैं। जेपी का जन्म 11 अक्टूबर के दिन हुआ और मौत 8 अक्टूबर को, इसलिए 8 से 11 अक्टूबर के बीच जेपी को लेकर उनकी स्मृति में इस यूनिवर्सिटी में कई कार्यक्रम किए जा रहे हैं। इसके लिए अलग से बजट नहीं आया, मगर तरह तरह की प्रतियोगिता है। जेपी को याद करने के लिए इन छात्रों ने बहुत मेहनत की होगी, मगर जिन्हें जेपी के नाम पर राज मिला है उन्होंने इस यूनिवर्सिटी के लिए कितनी मेहनत की। वाद विवाद निबंध लेखन प्रतियोगिता का आयोजन है, यही नहीं जेपी की याद में राजेंद्र कॉलेज में रोजगार मेला भी लगा हुआ था। बिना प्रोफेसर इन्हें बेरोजगार होने लायक बनाओ और फिर उनके बीच रोजगार मेला भी लगाओ, जिसकी एक तस्वीर से पता चलता है कि इसमें सुरक्षा कर्मियों यानी सिक्योरिटी गार्ड की बहाली के लिए विशेष भर्ती अभियान चल रहा है। मतलब धूल झोंकने का इससे शानदार उदाहरण और आपको क्या चाहिए और क्या दूं। 2013-16 का बैच 2017 तक खत्म नहीं हुआ, 3 साल का BA 4 साल में करने का प्रोजेक्ट बिहार में चल रहा है, यानी सेशन लेट है। 2015 में सेकेंड ईयर की परीक्षा होनी थी, 2017 के जून में हुई है। 2014-17 के बैच के प्रथम वर्ष की परीक्षा 2015 में हो जानी चाहिए थी, 2017 के जून में हुई है, अभी तक रिजल्ट नहीं आया। 2015 से 18, 2016 से 19 बैच का इम्तहान कब होगा किसी को पता नहीं, किसी मूर्ति को लेकर जल्दी ही विवाद होगा ये पता है। यूनिवर्सिटी में ये सेशन लेट क्यों होते हैं? इसलिए होते हैं ताकि बेरोजगारों को कुछ साल वहीं उसी कैंपस में रोक कर रखा जाए, राम मंदिर के नाम पर उन्हें भिड़ाया जाए। सेशन लेट कैसे होता है इसका पेटेंट बिहार के शिक्षा मंत्री को जल्दी करा लेना चाहिए। छपरा के राम जयपाल कॉलेज के इतिहास विभाग में 5 साल से एक भी टीचर नहीं। सोचिए 5 साल तक बगैर टीचर के इन छात्रों ने क्या इतिहास पढ़ा होगा, कूड़ा पढ़ा होगा। आजकल नेता सुबह सुबह जयंती और पुण्यतिथि पर याद करने वाला कार्ड ट्वीट कर देते हैं, ये एक नई नौटंकी शुरू हुई है, सबको स्मृति करते हैं। जिनकी स्मृति के नाम पर कॉलेज है वो देखने नहीं जाते, पर सुबह सुबह वो ट्वीट करते हैं। आप भी सोचते होंगे कि ये अपने पुराने नेताओं का कितना सम्मान करते हैं साहब, हाल आप अपनी आंखों से देख ही रहे हैं। नेता वोट के लिए याद करते हैं। 1972 में गोपालगंज में महेंद्र महिला विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। जेपी यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर की तरह यहाँ की प्रिंसिपल ने भी कहा कि मेरा नाम लेकर बोलिए, हम किरण जी की इस हिम्मत का एहतराम करते हैं। बहुत से प्रिंसिपल तो फोन जाते ही कांपने लगते हैं, अपना अच्छा खासा नाम छिपाने लगते हैं, बोलते हैं NDTV इंडिया, रविश कुमार, हम नहीं जानते, हम बाद में बात करेंगे, मार्केट में सब्जी खरीद रहे हैं। खस्ता हाल कॉलेज का हाल भी ऐसे बताने लगे जैसे भारत का एक नंबर का कॉलेज हो, जो बोलते भी हैं। मगर किरण जी ऐसी नहीं है, उन्होंने बताया कि इस कॉलेज में 26 प्रोफेसर लेक्चरर होने चाहिए थी पुरानी मंजूरी के हिसाब से, मगर पूरे नहीं है। संस्कृत, इतिहास, मनोविज्ञान, राजनीति विज्ञान में कोई प्रोफेसर लेक्चरर नहीं है। हिंदी में एक प्रोफेसर है जो रिटायर होने वाली है। नॉन टीचिंग की बहुत सारी सीटें खाली हैं, अरसे से बहाली नहीं हुई। कॉलेज की साफ सफाई करने के लिए भी लोग नहीं हैं। 960 के करीब छात्रा हैं। भवन की हालत खराब है, पुस्तकालय है लेकिन लाइब्रेरियन नहीं है। 40-45 कंप्यूटर हैं लेकिन ऑपरेटर नहीं है। प्रिंसिपल डॉक्टर कुमारी, किरण कुमारी, लगातार विश्वविद्यालय को लिखती रही हैं लेकिन कोई सुनवाई नहीं। जब नेता का काम मूर्ति बनवाकर, जयंती मनवाकर चल ही जाता है, तो आप बताइए कि स्कूल कॉलेज में पढ़ाने के लिए प्रोफेसर टीचर रखने का वो टेंशन क्यों ले? बर्बाद तो आपका ही बच्चा हुआ ना, या आप हुए। इसी तरह मैरवा का एक कॉलेज है HR कॉलेज, यहाँ मात्र 4 प्रोफेसर हैं, होने चाहिए 17। जयप्रकाश नारायण की स्मृति में बने विश्वविद्यालय का हाल अब हमने ले लिया, अब हम दीनदयाल उपाध्याय की स्मृति में बने विश्वविद्यालय का हाल लेते हैं। दीनदयाल उपाध्याय यूनिवर्सिटी गोरखपुर चलते हैं। 1957 से गोरखपुर यूनिवर्सिटी चल रही है। पंडित SM त्रिपाठी के प्रयासों से यूनिवर्सिटी शुरू हुई। महंत दिग्विजय नाथ का भी इसमें बड़ा योगदान था। उन्हीं की परंपरा के दूसरे उत्तराधिकारी योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। तस्वीरों को देखकर यही लगा कि गोरखपुर यूनिवर्सिटी का कैंपस काफी चमकदार और साफ सुथरा है, अच्छा है। गोरखपुर यूनिवर्सिटी का नाम दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर यूनिवर्सिटी है। इस कैंपस में 16,000 से ज्यादा छात्र हैं। हर साल यहाँ 5,000 से अधिक छात्र एडमिशन लेते हैं और यूनिवर्सिटी से जुड़े जो कॉलेज हैं उनके छात्रों की संख्या और कॉलेजों की संख्या अलग है। इस कैंपस में टीचर कितने आते हैं हम उस पर आ रहे हैं। 365 पद यहाँ मंजूर हैं, मगर 250 पद खाली। इस बार यूनिवर्सिटी ने बहाली का विज्ञापन निकाला है, करीब 212 पदों की भर्तियां निकली हैं। उम्मीद है कि यूनिवर्सिटी इस समस्या से मुक्ति पा लेगी और जल्दी ही बहाली होगी। कई बार बहाली का विज्ञापन निकलता है और बहाली होते होते भी 3 साल लग जाता है।
मगर यूनिवर्सिटी से जुड़े बाकी कॉलेजों का क्या हाल है, कितनी भर्तियां होनी है, इसकी मुकम्मल जानकारी हम नहीं जुटा सके। हमने अपनी रिपोर्ट के लिए 2016-17 के लिए यूनिवर्सिटी के बजट पत्र का सहारा लिया है। यहाँ के छात्र तरह तरह की फीस के जरिए इस यूनिवर्सिटी को करीब 74 करोड़ से ज्यादा रुपए देते हैं, मगर बदले में मिलता क्या है? खाली क्लासरूम। बजट पत्र देखकर पता चल रहा है कि कई जगहों पर भयंकर कटौती है। जैसे 2014-15 में रसायन शास्त्र विभाग का वास्तविक बजट था 11 लाख रुपए से अधिक, मगर 2015-16 में अनुमानित बजट ही 8 लाख कर दिया गया, 3 लाख की कटौती हो गई। लगभग 50% ऐसा है कि जो टीचर्स का शॉर्टेज है और इस वजह से कभी भी रेगुलरिटी से क्लासें नहीं चल पाती हैं। सबसे पहला इशू तो ये है। दूसरा मेजर इशू ये है कि चूंकि टीचर्स कम हैं और बच्चे इतने सारे हैं और डिपार्टमेंट्स इतने सारे हैं, तो उस हिसाब से कभी भी बराबर तरीके से क्लासेस ना चल पाना, ग्रेजुएशन स्टूडेंट्स की हालत इतनी ख़राब हो जाती है कि अगर 12 या मतलब अगर 6 क्लासेस उनकी चलनी होती हैं तो वो सिर्फ मात्र 1-2 में सिमट जाती है। वो बच्चों के लिए बहुत दिक्कत होती है जो उतनी दूर से आते हैं, करीबन 20-30 किलोमीटर दूर से, और सिर्फ मात्र 1-2 क्लास करके, या कभी कभी ये भी होता है कि उनकी क्लासेस भी नहीं होती हैं और उनको घर लौटना पड़ता है। ये ऋचा चौधरी हैं, छात्र नेता भी हैं, वाइस चांसलर की बात आगे सुनाएंगे। कितने साल यूनिवर्सिटी में बगैर शिक्षकों के क्लास चली होगी, उन छात्रों के साथ क्या होगा, उन्हें ही जब अपनी ज़िंदगी से मतलब नहीं तो हम कितना परेशान हों। फिर भी गोरखपुर यूनिवर्सिटी ने 1998 से लेकर 2003 तक एडहॉक पर शिक्षक रखे। इन्हें मानदेय शिक्षक कहा जाता है, जो पहले 5,000 रुपये प्रति माह की सैलरी पर पढ़ाते थे, बाद में बढ़कर 8,000 रुपये प्रति माह हो गई ये सैलरी। 2006 में यूनिवर्सिटी की कार्य परिषद ने 2004 तक मानदेय पर रखे गए शिक्षकों को नियमित करने का प्रस्ताव पास किया, मगर वो फैसला लागू नहीं हुआ। 2010 में यूनिवर्सिटी ने 87 मानदेय शिक्षकों को अचानक निकाल दिया, जबकि ये कम से कम 8 साल और अधिकतम 15 साल पढ़ा चुके थे, नेट पीएचडी भी कईयों के पास है। अब ये सड़क पर है, मानदेय शिक्षक एसोसिएशन बनाकर संघर्ष कर रहे हैं। 2014 में सांसद के तौर पर योगी आदित्यनाथ ने इनके लिए पत्र भी लिखा था, अब वे मुख्यमंत्री हैं। मानदेय शिक्षक एसोसिएशन मानदेय के साथ साथ ध्यान देय के लिए भी संघर्ष कर रहा है, ताकि कोई तो इनकी तरफ ध्यान दे। हमारे सहयोगी सलीम ने विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर से बात की। पिछले कई सालों से नियुक्तियां नहीं हो पाई, दो बार 2014 में विज्ञापन हुआ, नियुक्ति नहीं हो पाई, 2016 में विज्ञापन नहीं हो पाया, नियुक्ति नहीं हो पाई, लेकिन अभी 6 जुलाई को महामहिम की जी के द्वारा सारे कुलपतियों के सम्मेलन में इसको प्रायोरिटी भी बताया गया महामहिम के द्वारा कि सभी विश्वविद्यालय अपने शिक्षकों की कमी को शीघ्र दूर करें। उसी क्रम में हमारे विश्वविद्यालय ने विज्ञापन निकाल दिया है दिनांक 21 सितंबर को, और हमारा 24 अक्टूबर उसकी लास्ट डेट है फॉर्म भरने की। ऑनलाइन फॉर्म आवेदन प्राप्त किए जा रहे हैं, करीब 4,000 या 5,000 एप्लीकेशन हमारे पास आज की डेट में आ भी गई हैं, और भारी संख्या में जो है आवेदन यहाँ पे आमंत्रित आ रहे हैं हमारे, और शीघ्रातिशीघ्र हम जो है इसकी नवंबर के फर्स्ट वीक में या सेकेंड वीक में इसकी नियुक्ति प्रक्रिया प्रारंभ कर देंगे। इन अध्ययनों के दौरान पता चला कि भाषाई विषयों की हालत सबसे अधिक खराब है। हिंदी और संस्कृत के नाम पर नेता लोग शहर में दंगा करा दें, उत्तर और दक्षिण भारत को आपस में भिड़ा दें, मगर जगह जगह हिंदी और संस्कृत विभाग बगैर प्रोफेसरों के चल रहे हैं। उर्दू का भी हाल इन्हीं के जैसा है। भारत में विश्वविद्यालय और कॉलेज बहुत हैं, हमारे पास संसाधन कम हैं। नागरिकों, दूसरे संस्थानों के पत्रकारों, दोस्तों के सहयोग से और कुछ अच्छे प्रोफेसरों के सहयोग से ये सीरीज चल रही है। ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी का हाल पहुंचाने में प्रमोद गुप्ता ने काफी मदद की। हम एक जिद की तरह यह सीरीज आपके पास लेकर आ रहे हैं। जब आप दर्शकों को गोदी मीडिया कई हफ्ते तक हनीप्रीत दिखा सकता है, फर्जी फर्जी मुद्दे दिखा सकता है, तरह तरह के प्रोपेगेंडा दिखा सकता है, तो मैं देखना चाहता हूं कि आप उच्च शिक्षा की हालत पर यह सीरीज क्यों नहीं देख सकते। क्या आप बात कर रहे हैं कि कॉलेज में प्रोफेसर नहीं, आपके बच्चे बिगड़ गए, बिगाड़ दिए गए, कॉलेज कबाड़ हो चुके, उनका भविष्य बर्बाद किया गया, तो वहां जाकर आपके बच्चे हीरा कैसे बन रहे हैं? सावधान रहिए, नेता जल्दी ही भावुक मुद्दों का नया पैकेज लेकर आ रहे हैं। ब्रेक के बाद मेडिकल कॉलेज का हाल लेंगे उत्तराखंड से। हमारा सवाल सिंपल है, जब क्लास में नहीं है गुरु तो बताओ भारत कैसे बन रहा है विश्व गुरु।